ओके वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों, मैं निजाम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। दोस्तों आज आपसे मैं दो कॉइन के बारे में शेयर करने वाला वीडियो, ठीक है। प्रॉपर मैं आपको एक सेलिंग टारगेट देने वाला हूँ, जहाँ दोस्तों ये आप मान सकते हो, और ये नहीं कि ये बस अपने मर्जी से कि भाई इतना जाएगा 100 गुना ये गुना वो गुना, बिल्कुल भी नहीं। मैं पास्ट के कुछ टोकन का एग्जांपल देकर और उसको दिखा के कि कितना वो गया था, और एज़ कम से कम आप ये टारगेट लेके चल सकते हो कि यहाँ तक जा सकता है। जहाँ दोस्तों IO.net और ETH, और मेरा IO.net के ऊपर आपको भी मालूम है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, और मैं काफ़ी बुलिश भी हूँ, और ETH के अंदर भी मेरा अच्छा खासा, दोनों ही GPU से रिलेटेड है, ETH तो गेमिंग और GPU से रिलेटेड है, सो दैट मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं आई थिंक जैसे लाग दैट अगर हम देखें तो रेंडर वगैरह ने प्रॉफिट दिया है, जैसा अगर हम देखें आकाश नेटवर्क ने प्रॉफिट दिया वैसा IO.net भी दे सकता है। प्रॉपर हमें लेकिन टारगेट टेक लेके चलना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई आप 100 गुना देगा 50 गुना बस उसी के भरोसे बैठे रहो और पता चला डंप होकर फिर जो है ना नुकसान दे गया। नहीं यार, ऐसा हमें नहीं करना, हमें टारगेट लेके चलना है, और इस वीडियो के अंदर ना आपको इन दोनों ही टोकन का प्रॉपर टारगेट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही अगर आपको वीडियो देखना है तो आप ज़रूर आप अपना कॉइन अपना टोकन आप सजेस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर कि हाँ भैया इस टोकन का हमें प्राइस प्रिडिक्शन एग्जैक्टली टारगेट मुझे देखना है कि लगभग कहाँ तक जा सकता है, जिसके हिसाब से हम अपनी जो है सेलिंग स्ट्रेटजी जो है यहाँ पर बुल रन के अंदर अप्लाई कर सके। सो दैट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेक श्योर वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, हमारे फैमिली का पार्ट जरूर बनिए विदाउट एनी टाइम लॉस। आज चलते हैं सीधा अपडेट की तरफ, बात करते हैं आज के दो लेजेंडरी टोकन के बारे में। सबसे पहले IO.net $1.62 का अभी चल रहा है, काफ़ी बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, मैं खुद भी काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूँ। द इंटरनेट ऑफ GPUs इज़ फाइनली हेयर, जहाँ दोस्तों इनका कहना है कि भाई हम जो है ना आई थिंक बड़े प्लेयर है GPU के अगर मायने की बात करते हैं, और रियलिटी थिंग्स भी है, इसके पास नंबर ऑफ़ GPUs काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इसके ऊपर क्लाइंट है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके पार्टनर के अंदर भी देखते हैं तो सोलाना है, एप्टोस है, रेंडर है, फाइलकॉइन है, जिसके ऊपर दोस्तों जिसकी वजह से जो है इसके ऊपर और भरोसा जो है बढ़ जाता है, और मेरा जो है इन्वेस्टमेंट करने का जो है नज़रिया भी चेंज हुआ है। इन सभी को ही देखेगी जब इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर जो है इसके पार्टनर से इसके बैकर से इसकी सपोर्ट टीम में है, तो आप खुद सोचो कि ये प्रोजेक्ट कहां से कहां जा सकता है। सो दैट ये मेरा फैसला था, इसी वजह से मैं इसके अंदर जो है एक अच्छा खासा अमाउंट शिफ्ट किया हूं, जहां दोस्तों जो कि मुझे लग रहा है कि एक बुल रन के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन वो प्रॉफिट कितना हो सकता है, कहां पर से मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। अगर हम ट्विटर के ऊपर जाते तो 513,000 से ज्यादा इसके फॉलोअर्स है, जो कि मैं मानता हूं कि काफी अमेजिंग है, बिकॉज ऑफ अगर हम GPU टाइम में देखें तो उसके हिसाब से काफी अच्छा खासा जो है इसके फॉलोअर्स है, और आने वाले टाइम के अंदर और भी ज्यादा यहां पर फॉलोअर्स जो है इंक्रीज ही होंगे ना कि डिक्रीज हो गए। सो दैट जिस तरह से काम चल रहा है काफी अच्छा खासा इसके अंदर हाइप मिलने की चांसेस है। प्राइस $1.62, मैं पहले भी कई बार इसके बारे में बता रखा है, निमोका ब्रांड, सोलाना फाउंडेशन वगैरह जो है इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है पहले से, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके साथ साथ 153 मिलियन ही इसका मार्केट कैप है, जो कि मैं मान रहा हूं काफी ज्यादा कम है, जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से तो काफी ज्यादा कम है। सो दैट काफी अच्छा खासा इसका जो है मार्केट कैप भी हिट हो सकता है। इसके साथ साथ सिर्फ 800 मिलियन टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, जिसमें 500 टोटल सप्लाई मिलियन है, 11% ऑलरेडी सर्कुलेशन के अंदर है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है सप्लाई मार्केट के अंदर आ रहा है। $6 का इसका ऑलरेडी ATS था, $1.33 इसका ऑल टाइम लो था, सभी एक्सचेंजेस पे आपको ऑलरेडी ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है IO.net, तो सबसे पहले हम IO.net का चलते हैं और थोड़ा सा चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या अभी इसका बन रहा है। तो भाई अभी सिंपल सा हम देख रहे हैं, सिंपल सा देख के ही, कोई ज़्यादा बड़ा चार्ट तो है नहीं, लेकिन एक डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, जो कि एक नीचे की तरफ यहाँ पर जो है बार बार यहाँ पर इसका प्राइस जा रहा है और एक सपोर्ट को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा जो है रिजेक्शन हुआ है यहाँ पर भी सपोर्ट के, हालांकि यहाँ तक तो ऊपर तक नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ पर क्या प्ले कर रहा है, यहाँ पर एक जो अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर जो है ना ये देख सकते हो इस तरह से जो है, एक मिनट भाई, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसको सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है, और बार बार इस जोन से इसको सपोर्ट मिल रहा है, और ये रेजिस्टेंस बहुत जल्दी इसका ब्रेकआउट भी यहाँ पर पॉसिबल है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ही है, थोड़ा सा अगर डंप आएगा तो इस सपोर्ट से फिर यहाँ पर जो है उठ सकता है। सो दैट हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि 1.5
ऑब्वियसली $1 के आसपास ये जा सकता है, बट चांसेस थोड़ा सा यहाँ पर जो है मार्केट के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अब एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर टारगेट निकालते हैं तो दो तरह का टारगेट है। हम फिबोनाची की तरफ से अगर चलते जो परफेक्टली लगभग देता है हर बुल रन के अंदर या हर प्रोजेक्ट के ऊपर लगभग देता है, लेकिन ये नहीं कि जो अभी इसमें टारगेट है वही टारगेट होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम पहले टॉप के ऊपर मार्क करते हैं और इसके बॉटम के ऊपर चलते हैं, एग्जैक्टली बॉटम जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है अगर वहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर फिबोनाची, तो यहाँ पर सिंपल सा हमें जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है लगभग $27 का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ पर से इजिली ये आपको 16-17 गुना तक प्रॉफिट यहाँ पर से दे सकता है। जी दोस्तों, जो कि इसके अंदर काफ़ी तगड़ा जो है क्षमता भी है कि इतना दे सकता है या इससे ज़्यादा भी यहाँ पर जो है ये दे सकता है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ लेकिन वीडियो के लास्ट में कि ये परफेक्टली वर्क करता है कि नहीं करता है ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। जी दोस्तों, अभी आप मान के चल सकते हो कि लगभग 17 गुना ये प्रॉफिट कम से कम निकाल के दे सकता है, कम से कम आप मान के चलना। ठीक है, अब बात करते हैं ATH की। ठीक है, और प्रॉपर में बताऊंगा पुराने टोकन्स को भी थोड़ा सा लेके लास्ट में कि एग्जैक्टली क्या होता है। ATH का प्राइस देखें तो उसके मुकाबले IO.NET के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.0495 इसकी प्राइस है। जहाँ दोस्तों अगर इसके बैकर्स की बात करते हैं तो एनिमो का ब्रांड वगैरह जो है इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और काफ़ी बड़े बैकर्स इसके पास भी ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि अच्छा खासा टक्कर दे रहा है। 200 मिलियन का इसका टोटल अगर हम देखें मार्केट कैप है, जो कि IO.NET से कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मार्केट कैप अचीव कर लिया है। जहाँ दोस्तों ATH ने, बट यहाँ पर सप्लाई के मैटर में करते हैं बात, तो सप्लाई जो है ATH का जो है ज़्यादा है। जहाँ दोस्तों 42 बिलियन है, जिसमें से 4 बिलियन सप्लाई मार्केट के अंदर ऑलरेडी सर्कुलेशन के अंदर है, 10% ऑब्वियसली IO.NET की तरह। जहाँ दोस्तों 12 सेंट ऑल टाइम हाई लगा था और अभी ऑल टाइम लो के पास ही चल रहा है, $0.04 इसका ऑल टाइम लो है। जहाँ दोस्तों अगर हम देखें तो ये अभी बनांस के ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन HTX के ऊपर, BitGet के ऊपर, OKX, Bybit वगैरह सब के ऊपर ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सो दैट अगर आप चाहो तो यहाँ पर से जो है जाके आप इजिली बाई कर सकती हो। ठीक है, सीधा अगर हम चलते हैं इसके वेबसाइट की तरफ तो वेबसाइट भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर डिजाइंड है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो है गेमिंग क्लाउड भी ला रहा है, गेमिंग के ऊपर भी वर्क कर रहा है। जहाँ दोस्तों गेमिंग के लिए भी GPU प्रोवाइड करेगा, हालांकि GPU नंबर ऑफ GPUs जो है IO.NET से कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भी अच्छा खासा यहाँ पर गेमिंग से रिलेट भी करता है तो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। जहाँ दोस्तों अगर कम्युनिटी की बात करते हैं तो 845,000 से ज़्यादा जो है इसकी भी कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग भी है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी यहाँ पर कर रहा है। चलते इसकी टारगेट की तरफ, तो हम आ चुके हैं इसके चार्ट की तरफ। चार्ट में कुछ भी नहीं है ऑलरेडी, आपको पता है कि नया चार्ट है, बट मैं ऑल टाइम हाई ये जो पहला दिन का वीक लगा था ना, मैं वो चीज़ लेके के चलूँगा। तो दोस्तों सिंपल सा हम इसके बॉटम और टॉप पे अगर चलते हैं तो हमारा जो यहाँ पर टारगेट निकल के आता है वो लगभग जो है हाफ सेंट्स का आता है। जहाँ दोस्तों जो कि यहाँ से 10x आप एक तरह से मान के चल सकते हैं, बट क्या पास्ट के अंदर ये चीज़ें हुआ है, क्या पास्ट के अंदर इतना ही टारगेट रहा है, क्या पास्ट के अंदर जो फिबोनाची जो एग्जैक्टली हमारी टॉप बताया था क्या वही चीज़ें हुई है या कुछ अलग हुआ है, तो थोड़ा सा इससे और भी माइंड क्लियर हो पाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं दूसरे तीसरे चार्ट की तरफ एक्चुअली में, तो हम आ चुके हैं डॉट की तरफ। तो डॉट का अगर हम देखें तो काफ़ी पुराना चार्ट है और ये काफ़ी पुराना कॉइन है, इसलिए मैं इसको लेना पसंद किया हूँ। और इसका जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है फिबोनाची फिर से ड्रॉ करने वाले हैं, जो उस टाइम में टॉप था बुल रन से पहले और जो बॉटम था जो जिस टाइम में आया था $2 और लगभग जो है यहाँ पर गया था $6 तक। ठीक है, ये बुल रन से पहले का टारगेट है, बुल रन से पहले इसी जोन में प्ले कर रहा था। देन यहाँ पर जो है दिसंबर 2020 के अंदर से यहाँ पर जो है इसका पंप स्टार्ट हुआ, जो कि काफ़ी तगड़ा यहाँ पर पंप हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका टारगेट कहाँ निकल के आता है, $22 का। ठीक है, इसका टारगेट निकल के आया था $22, बट यहाँ पर से गया कहाँ है भाई, ये गया कहाँ देख सकते हो आप, कहाँ गया, ये टॉप लगाया था लगभग $55-56 का। जी दोस्तों, वो आप जाके चेकआउट कर लेना, $1 आगे पीछे। तो कहीं ना कहीं जो ये टारगेट दिया था उससे भी यहाँ पर अगर हम देखें तो दुगना से भी ज़्यादा यहाँ पर ये टॉप लगाया था। जी दोस्तों, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि फिबोनाची जो हमें टारगेट दे रहा है वही टारगेट को हमें लेके चलना है, बट यहाँ पर एक हिंट जरूर मिल रहा है कि अगर फिबोनाची जो हमें टारगेट दे रहा है, ठीक है, तो कम से कम हम उस टारगेट को अचीव करें, कम से कम उस टारगेट का एक नॉर्मली जो हम टारगेट लेके चले कि कम से कम यहाँ तक जा सकता है। ये जो अगर हम टॉप से यहाँ पर के टॉप से अगर पकड़े और ये बॉटम तक जाए, ठीक है, तो यहाँ पर से भी अगर हम टारगेट देखते हैं जो कि एक मिनी पंप आया था तो वहाँ से भी $37 तक का होता है, लेकिन यहाँ से 2x लगभग जो है गया था। सो दैट सिंपल सा क्लियर कट एक चीज़ तो आपको माइंड में आ गया होगा कि ATH आधे डॉलर तक तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, IO.NET कम से कम जो है यहाँ पर $27 तक तो जाएगा ही जाएगा, उसके ऊपर भी जाने का क्षमता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। पास्ट के अंदर ये चीज़ें हुआ है,
पास्ट के अंदर डॉट के साथ बाकी जो भी कॉइन्स है, मैंने काफी कॉइन्स के ऊपर अप्लाई किया है, तो उन सभी के साथ ये चीजें हुआ है कि भाई जो भी फिबोनाची या फिर कोई भी इंडिकेटर जो इंडिकेट कर रहा था कि इतना ही डॉलर जाएगा, वो एग्जैक्टली हुआ नहीं, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर जो है उस टोकन ने परफॉर्मेंस करके दिखाया और अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया है। सो दैट कम से कम हम ये टारगेट लेके चल सकते हैं। जैसे मैं खुद की अगर मानूं तो मैं पहली बाइंग भी पार्ट्स के अंदर करता हूं, और मैं अगर सेलिंग करूं तो मैं पहली सेलिंग जो है अगर ये $27 तो है तो मैं $25-$20 के आसपास पहली सेलिंग लगाऊंगा, जहां से मैं थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहूंगा। इसके ऊपर जितना जाएगा वो मेरे लिए और प्लस पॉइंट रहेगा। अगर ATH की बात करें तो हाफ एंड डॉलर का अगर इसका फिबोनाची बोल रहा है तो मैं लगभग जो है 35 या 40 सेंट्स के अराउंड जो है फर्स्ट सेलिंग यहाँ पर मैं लगा के चलूंगा। तो इस तरह से आप अपना जो है एक आई थिंक अपना प्लान बना सकते हैं अभी से कि हमें किस तरह से वॉक करना है और किस तरह से हमें प्लानिंग करना है, ताकि हम जिस तरह से अच्छे से हमने बाय किया है, प्लानिंग किया है, उस तरह से मार्केट से एग्जिट भी हो। बिकॉज ऑफ देखो यार, मार्केट अभी के टाइम में डॉट की अगर मैं बात करूँ, ये आप चार्ट देखो, उस टाइम में कितना था, $2, $4, $5 है ना, और अभी के टाइम में एग्जैक्टली वहीं पे चला गया भाई $4 पे है। $4 कब था, आप खुद देखो यार, ये चार्ट अगर देखोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे, यार ये क्या हुआ, ये इस टाइम में था $4, कब था, 2020 नवंबर में था। उसके बाद भाई रुका ही नहीं, $10 होते हुए गया। ये देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक बॉटम जरूर लगा था, ठीक है, जो कि $10 का था जब BTC के अंदर डंप आया था, तो उस टाइम का यहाँ पर अभी डंप देखने को मिला। हालांकि ये बियर मार्केट के अंदर ये फिर $4 गया, फिर यहाँ पर जो है $3.5 तक गया। तो ये टॉप लगाने के बाद भाई पिछला जो बॉटम है उससे भी नीचे, ये बिटकॉइन नहीं है जो पिछला बॉटम से नीचे नहीं जाएगा, ये अल्टकॉइन है भाई, बद से बदतर हालत हो जाता है। और ये ऑलरेडी 2023 अक्टूबर में $3.70 तक ऑलरेडी गया है, जिस जोन में लगभग अभी फिर कुछ टाइम पहले गया था। सो दैट हमें प्रॉफिट बुक करके इस बुल रन के अंदर वॉश आउट होके निकलना है। एक बात दिमाग में रख लेना, जो भी टारगेट मैं दे रहा हूँ एक माइंडसेट बना लेना कि हमें पार्ट्स के अंदर सेल करना है, लाइक दैट हम $25 या $20 पे पहला एग्जिट प्लान बनाएंगे, दूसरा हम $30 या $35 पे बनाएंगे, या तो फिर $40 पे बनाएंगे। तो इस तरह से आप प्लानिंग करोगे, एक आध अगर हमारा सेलिंग नहीं भी एग्जीक्यूट होता है लेकिन हम एंड द एंड जो है प्रॉफिट के अंदर रहेंगे और हमें यहाँ से अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके निकलेंगे, और हमें निकलना ही है क्योंकि इससे बाद इसके बाद जो आएगा जो डंप जो आएगा वो इसको आधे डॉलर क्या अगर मैं बोलूँ अगर IU.NET $1.5 क्या $1 तक भी अगले बुल रन अगले बियर रन में जो है लेके जा सकता है। सो दैट ये चीज़ आप दिमाग के अंदर जरूर रखिएगा। थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा ऑब्वियसली इसको इग्नोर कीजिएगा, और जो मैं चीज़ें कहना चाह रहा हूँ ना उसके ऊपर आप जरूर फोकस कीजिएगा, बिकॉज ऑफ जो चीज़ें पास्ट में हुई है रिपीटेड वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है डंप अच्छा खासा हुआ है। पास्ट का जो अगर हम देखें बियर मार्केट का जो प्राइस था वो इस बियर मार्केट में भी गया है। सो दैट ये चीज़ मेंशन है, ये चीज़ दिमाग आप जरूर लगा के चलेगा, हमें पूरा एग्जैक्टली निकलना है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन पार्ट्स के अंदर, ठीक है। और मैंने टारगेट ऑलरेडी दे दिया है, सो दैट इसके ऊपर जरूर जाके अपना भी रिसर्च एक बार कीजिएगा, अपना भी आप फोकस कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग भी आप इसके बारे में समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों और कौन टोकन का आपको देखना है, मेक श्योर हमें कमेंट के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, हमारे फैमिली का पार्ट जरूर बनिए। बाकी मैं तो नेक्स्ट वीडियो में आज कितना है, गुड बाय।